आज एकादशी है और वैष्णवों की तीन निष्ठा होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव को कम से कम तीन निष्ठाओं का पालन करना चाहिए, तभी उसका वैष्णव धर्म निभता है। सबसे पहला नाम निष्ठा, ठाकुर जी के नाम के प्रति निष्ठा। नाम जप नित्य किया करें। बंधुओं, कई लोगों को नाम जप में आलस्य आता है, नाम जप में उनको मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती। पर सदा याद रखें कि नाम औषधि है। जो काम ठाकुर जी भी नहीं कर पाते वो नाम करता है। कोई पूछे कि ठाकुर जी कहां से प्रकट हुए, तो भगवान को प्रकट नाम ने ही किया है। ठाकुर जी नाम के बिना प्रकट नहीं होते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसने गाया उसी ने पाया ठाकुर जी को, जो गाता नहीं है ठाकुर जी को वो पा नहीं सकता। आप लोग कहें कि हमको सेवा में बहुत सुख मिलता है, हमसे परिक्रमा लगवा लो, कथा सुनवा लो। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपकी नाम में रुचि नहीं है ना, तो बाकी के सारे क्रम जो आप करेंगे उसमें आप कोई ना कोई अपराध जरूर बनेगा आपसे। नाम अपराध मुक्त करता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब आप ठाकुर जी का नाम गाते हैं ना, तो स्वयं श्री जी आकर के आपके सब अपराधों को क्षमा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, एवं श्री जी की कृपा से आपसे फिर अपराध नहीं बनता। सेवा का या जो भी अपराध के नियम हैं वो सब अपराध नहीं बनते। श्री जी का नाम गाते हैं तो फिर ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी रखते हैं कि भाई ये नाम गाता रहे, उसके लिए इसके जितने भी अपराध इससे बनते हैं वो सब संभालो, इसकी बुद्धि सुदृढ़ करो। नाम का बहुत महत्व है, इसलिए धीरे धीरे प्रारंभ करो। पहले 11 नाम जपो, फिर 21 कर दो, फिर 51 करो, फिर 108 करो, और फिर एक समय ऐसा आए गिनती बंद करो। मैं ये बात अपनी कथा में हर जगह कहता हूं, नाम कभी नहीं गिनना चाहिए। ठाकुर जी का हम कितना जप करते हैं उसकी गिनती मत करो। गिनती करनी है तो उनकी करो जिनकी वजह से इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन हमारा बंधा रहता है, जिन पापों की वजह से, जिन हमारे दुष्कर्मों की वजह से, गिनती उनकी करो। मानव का स्वभाव है, वो दूषित कर्मों को छुपाता है, अच्छाइयों को प्रकट करता है, रहता है। उल्टा होना चाहिए, अपने द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों को छुपाइए। नाथ द्वार दर्शन करके आए तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप 10 लोगों को बता नहीं दो हम नाथ द्वारा गए। वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर के संतों को भोजन कराया तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप उन सब में भेज नहीं दो वृंदावन में हमने संत सेवा करी। कभी किसी का हृदय दुखा करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, बोल मैंने इतने लोगों का आज हृदय दुखाया, आज पत्नी को बहुत सुनाई मैंने, वो बेचारी रो रही है, ये किसी को बताते हैं हम नहीं। मैंने पड़ोसी के साथ में दूषित कृत्य किया, उसको उसके साथ गलत किया, उससे ईर्ष्या करी, इन सब का प्रकाश नहीं करते, इन सब को छुपा के रखते हैं। हम प्रकाश करते हैं अपनी योग्यताओं का, कभी नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमसे मिलने भी आते हैं लोग, अब भीड़ इतनी होती है तो एक सेकंड में भी व्यक्ति को यह लगता है कि मैं बता दूं। आप मिलने आते हैं, आपसे ज्यादा उत्सुक मैं होता हूं आपसे मिलने के लिए, लेकिन एक क्षण के समय में भी आप जब यह बता देते हैं, महाराज जी मेरा इतना नाम जप रोज होता है, महाराज जी मैं इतनी घंटे सेवा रोज करता हूं, मुझे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं, क्यों? एक बात सदैव याद रखिएगा, भक्ति यदि पूर्ण रूपेण आपके चित्त में आएगी तो आप प्रकाश करने से बचोगे, आप उसका प्रकाश नहीं करोगे, उसको गोपनीय रखोगे। और एक बात कहें, जब आप अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को गोपनीय रखते हैं तो आपके मुख की आकृति प्रकाश करती है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन के संतों को देखो,
उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, उनका मुखमंडल बता देता है कि कृष्ण प्रेम है चित्त में, इनके चित्त में भजन है, इनके चित्त में नाम विराजमान है। भक्तमाल जी में कथा आती है अंतर्निष्ठ राजा की, जो प्रभु के नाम को सदा अपने चित्त में छुपा करके रखता, कभी किसी को यह पता तक नहीं लगने दिया कि वो एक वैष्णव है। एक दिन रात्रि में सोते सोते उसके मुख से स्वप्न में ही निकल गया, सुसुप्ता अवस्था में निकल गया, हां राम। पत्नी ने सुन लिया। प्रातःकाल जब बेला हुई, पत्नी ने पूरा घर सजाया, ढोल नगाड़े डुमडुमियां बज रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं। राजा उठकर के आश्चर्यचकित हो गया, इतने मंगल गान क्यों हो रहे हैं। राजा ने जाकर के पत्नी से पूछा, ये सब क्या चल रहा है। बोले कि मुझे तो अब तक लगता था कि आप भक्त हो ही नहीं, पर मुझे अब पता चला आप तो अंतर्निष्ठ भक्त हो, आप तो अपने चित्त में नाम को छुपा करके रखते हैं, कभी प्रकट नहीं। अरे इतने वर्ष ब्याह को हो गए, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आप भक्त हो। राजा बोला, तो हाँ तो मैं भक्त हूं ही नहीं। बोले कि रहन दीजिए, झूठ मत बोलिए, कल रात्रि स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में आपके मुख से निकला हा राम। अनकॉन्शियस स्थिति में, बहुत ध्यान से सुनना, आप कैसा बर्ताव करते हो, क्या बोलते हो, वो बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं। आपका बुद्धि विवेक सब बिल्कुल संयमित है और उस समय आप भक्ति भाव में रहो, ये सामान्य बात है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर आपको ये भी नहीं पता कहां क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मुझे होना चाहिए, ऐसे अनकॉन्शियस जब हो जाओ, तब आपके मुख से जो निकलता है उससे पता चलता है कि आप कौन है। अंदर जो है वो वास्तविक तभी निकलता है, और विशेष रूप से निद्रा की अवस्था में। निद्रा की अवस्था में बंधुओं, नाम जब अपनी तीव्रता में पहुंच जाता है ना, तब व्यक्ति निद्रा में भी, जब जैसे अंगड़ाइयां लेते हैं या फिर हम करवट बदलते हैं तो मुख से स्वर निकलता है, लेकिन नाम जब जब अपनी तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है तो निद्रा में भी श्री राधा, राम, कृष्ण, ये नाम ही प्रकट होता है मुख से। ऐसी स्थिति हो जाती है तन की। उस अंतर्निष्ठ राजा को जैसे ही पता चला कि मेरे मुख से राम नाम निकल गया, पत्नी से बोला, देवी अब तुम राजपाट संभालो और सब संभालना, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। पत्नी बोली, क्यों? बोले, मैंने सदा जिस नाम को छुपा करके चित्त में रखा, अपनी पत्नी तक को नहीं पता चलने दिया, वो नाम जब मेरे मुख से निकल गया, मतलब मेरे तन का त्याग नाम ने कर दिया, अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। प्राण रूप मान करके मैं नाम को अपने हृदय में छुपा करके रखता था, अब वही निकल गया तो मैं जीवित कैसे रहूं। और ऐसा कहते ही तत्क्षण राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना बलवान है नाम। तो वैष्णव की प्रथम निष्ठा होती है नाम निष्ठा। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया, नाम जपने की विधि क्या है। ये विधि विधान जो होते हैं ना, श्लोकों के लिए होते हैं, मंत्रों के लिए होते हैं, नाम के लिए कोई विधि नहीं। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय, उठते बैठते खाते पीते हंसते हर समय जपते रहो, नाम है ठाकुर जी का। आपका गुरु मंत्र जो है, गुरु श्लोक, गुरु मंत्र जो आपको मिला है, या द्वादशाक्षर मंत्र है, यो जो मंत्र की विधि है, उसके लिए तो आपको आसन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, एक जगह बैठना, मन एकाग्र होना, ये सब चाहिए। पर नाम, नाम तो आप हर समय जप सकते, हर समय हर क्षण। तो वैष्णव की सबसे पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। इसलिए नाम को प्रारंभ कीजिए। अच्छा, नाम के प्रति दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। नाम जपना भी एक सेवा है, और जैसे मंदिर की ठाकुर जी की सेवा है ना, उसमें अपराध नहीं होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें तत्परता होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता, शुद्धता और हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक वैसे नाम भी एक सेवा है। जब आप कृष्ण बोले तो आपके चित्त में त्रिभंग लली वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण कहते ही आपके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाएं, उनके मधुर रूप का दर्शन होने लग जाए। श्री राधा कहते ही अति सुकुमारी अति सुकोमला हमारी वृषभानुनंदिनी किशोरी जी की झांकी आ जाए। और फिर उस नाम को ही कवि इत्र मान करके, उस नाम को ही पंचगव्य पंचामृत मान करके, उस नाम को ही वस्त्र मान करके, उस नामी की ही श्रृंगार करो, सेवा करो, माला पधराओ, सुंदर नाम से ही आरती करो, नाम का ही प्रसाद भोग अर्पित करो। इस प्रकार नाम से निष्ठा से सेवा होती है। केवल ये माला फेरना और जप पूर्ण करना, अपनी संख्या पूर्ण करना नाम जप नहीं होता है। चित्त में कुंज का निर्माण करो, सुंदर यमुना जी बह रही हैं, सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, पीछे सुंदर सुंदर गिरिकंदरा दिख रही हैं, बीच में एक सेज सजी है, उस सेज पर हमारे श्याम सुंदर विराजे हैं और नाम चल रहा है। नाम वृक्षों में भी दिखे, नाम सेज पर भी दिखे, नाम यमुना जी में भी दिखे, नाम पीछे के सुंदर गिरिकंदरा में भी दिखे और नाम ठाकुर जी में भी दिखे, पर उसी नाम के जल से ठाकुर जी को अभिषेक कराया, उसी नाम के जल से ठाकुर जी को प्रच्छालन किया, उसी नाम के जल से, उसी नाम से ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराया, उसी नाम से इत्र धारण कराया, उसी नाम से प्रसाद, उसी नाम से ही ठाकुर जी को आरती और उसी नाम से बलैया, ऐसी पूरी एक सेवा की विधि है। उस सेवा को मानसिक रूप में करते हुए नाम जप करना, ये नाम निष्ठा है। ऐसे नाम जप होता है। नाम जप का दूसरा रूप, आज जितना हुआ है कल उससे अधिक होना चाहिए। अगर नाम जितना आज है कल भी उतना ही है और बल्कि परसों कम और हो गया तो इससे नामापराध होता है। नाम बढ़ना चाहिए, नाम बढ़ाओ। नाम के प्रति दूसरी भावना, कोई यदि आपसे पूछे कि आप क्या जपते हो तो पहले परख लीजिए, यदि वो अधिकारी हो तो ही बताइए, नहीं तो उसके सामने प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बता दो, नाम तो कुछ करते नहीं, महासंसारी हैं हम, तो पापी पामर जीव हैं। अपने आप को मत दिखाइए कि आप नाम जापक हैं। कोई यदि पूछे और लगे कि हाँ ये वैष्णव है, कोई गुरुजन पूछे, हम पूछ लें, हम तो वैसे हम भी संसारी हैं, हम पूछे तो मत बताओ। कोई संत पूछे, कोई महापुरुष पूछे, कोई वैष्णव पूछे तो उनको उजागर करो, सबके सामने उजागर नहीं। यहाँ लोग बताते फिरते हैं कि हम कितना नाम जप कर रहे हैं, क्यों नहीं, ये नामापराध है। सबके सामने अपने नाम का प्रकाश मत करो। भाई अगर किसी भाव से आपका प्रेम बढ़ रहा है, उस भाव को गोपनीय रखो ना, उसको प्रकाश करने की आवश्यकता क्या है। तो नाम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य, किसी को मत मानो, लेकिन यदि आपको अनुभव हो जाए कि ये वैष्णव भाव में नहीं है, बस ऐसे चलते फिरते पूछ रहा है, तो उसके सामने अपने आप को मुंह रखी घोषित करो, ये मत बताओ कितना नाम जपते, नहीं तो नामापराध होता है। तो सबसे पहली वैष्णव की निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। उसके तन पर यदि तुलसी स्पर्श नहीं है तो ठाकुर जी उसके हाथ से सेवा तो बहुत दूर की बात है, जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके तन पर तुलसी स्पर्श होना बहुत आवश्यक है, यह वैष्णव की दूसरी निष्ठा है। कई लोग पूछते हैं तुलसी धारण करने के लिए, आप लोग धारण कर लीजिए, लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं महाराज जी अगर हम तुलसी धारण कर लें और कहीं कुछ खाना पाना हो
तो तुलसी धारण करने के बाद में एक नियम का पालन आपको निश्चित रूप से करना है कि कुछ भी खान पान ऐसा नहीं करना जिससे तुलसी का अपराध बने। और यदि आपने कहीं गलती से तुलसी जी के धारण के पश्चात कुछ ऐसा खान पान किया है तो दूसरे दिन उन तुलसी जी को यमुना जी में पधराओ, आना पड़ेगा, भोपाल से वृंदावन ही आओ, तुलसी जी को पधराओ, क्षमा याचना करो, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो, फिर दूसरी तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके फिर धारण करो, फिर ये वचनबद्ध हो जाना कि अब नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी जब खाते पीते हो उस समय उतार दें, खान पान करके फिर पहन लें। वाह, ऐसा नहीं करना है। मन में एक भाव आता है कि श्री तुलसी जी आपके कंठ में विराजमान होने के लिए अपने रूप का त्याग कर देती हैं। वो एक पौधे के रूप में होती हैं, वृक्ष के रूप में होती हैं, ठाकुर जी को सुख देने के लिए नवीन नवीन अपने अंदर पत्रों को प्रादुर्भाव करती हैं, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, लेकिन आपके कंठ को सुशोभित करने के लिए और आपके तन के कल्याण के लिए वो अपने उस रूप का त्याग कर देती हैं, अपने आप को छिलवा देती हैं और उसके बाद माला बनकर के आपके गले में विराजमान होती हैं। इतना बड़ा त्याग तुलसी जी हमारे लिए करती हैं, हम उनके लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुलसी निष्ठा, तुलसी जी को धारण करो। तुलसी जी गले में धारण होने के बाद में जैसे ही आप कुछ भी पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाएंगे, प्रसाद पाते ही जैसे ही कंठ से नीचे जाएगा, कंठ में तुलसी जी हैं, नीचे जाते उसमें जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी जी कंठ में धारण हैं और उस समय आपने जलपान किया तो जलपान जैसे ही तुलसी जी के यहां कंठ से नीचे गया, तुलसी जी का स्पर्श होते ही वो साक्षात श्री यमुना जी का, श्री गंगा जी का जल हो जाएगा, ठाकुर जी का चरणामृत हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, आप स्नान करेंगे और जैसे ही जल अपने सिर पर डालेंगे, आपके मुख पर आकर के जल जैसे ही तुलसी जी का स्पर्श करके सर्वांगण अंग पर जाएगा, वह भी दिव्य किसी पवित्र अपवित्र नदी का रूप धारण करके, उनके जल का रूप धारण करके आपके तन को पवित्र कर देगा। तुलसी निष्ठा। कई संप्रदायों में तुलसी जी का भाव ऐसा, धारण करो पर स्नान के समय मत करो, उसमें ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल चरणों में आ जाएगा। तो सब संप्रदायों के अलग अलग भाव हैं, कहीं पर ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल तन पर जाना चाहिए तभी पवित्र होंगे। तो अपने अपने गुरुजनों की प्रणाली के अनुसार आप उसका कर सकते हैं भाव। कई मन में भाव रखते हैं कि हम शौचाचार के लिए जाएं तब तुलसी जी को उतार दें, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव कैसा है उस अनुसार आप उसका पालन कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र और संतों की आज्ञा तो 24 घंटे आपके कंठ में तुलसी होनी चाहिए। तो दूसरी निष्ठा क्या है? तुलसी निष्ठा। और तीसरी और सबसे विशिष्ट निष्ठा, एकादशी निष्ठा। वैष्णव को एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है और उसके कारण एकादशी के दिन, अब यहां पर भी एक बात आ जाती है, भाव की बात आती है। देखो, भाव प्राधान्य जब हो जाती है ना बात, तो फिर वहां पर नियम नहीं चल पाते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब हमारे राधा वल्लभी है और हमारे हरिदासी वृंदावन के, वहां पर अधिकतर एकादशी नहीं मानी जाती। क्यों? उनका भाव ऐसा है कि भाई ठाकुर जी का भोग है, कल हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, वो अन्न था जिसको हमने भोग लगाया, प्रसाद बन गया। अब आज एकादशी है, हम उस प्रसाद में फिर ये कर रहे हैं कि नहीं आज एकादशी, आज तो हम उसको पा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी का भोग, उसमें एकादशी पर अन्न कैसे हो सकता है? हम प्रसाद को अन्न कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहीं ये भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए कई हमारे आचार्य चरणों की प्रणाली में भाव से एकादशी का नहीं नियम माना जाता। पर आजकल के मॉडर्न जमाने में करवा चौथ भी नहीं रखती कई माताएं। क्यों? अरे
मेरा ब्याह हुआ, मेरा पति इतना फल फूल रहा है, उसके लिए मैं भोजन क्यों त्यागू, मैं तो खूब रज रज के पाऊंगी, इसलिए माताएं पाती हैं। देखो कितना भी आप पाओ, लेकिन जब करवा चौथ के दिन कोई माँ कोई बहन अपने पति के लिए व्रत करती है, एक दिन के लिए किया गया व्रत वो शोभनीय लगता है, सुंदर लगता है, उसमें कोई पीड़ा नहीं, सबको अच्छा लगता, बल्कि माताएं सौभाग्य मानती हैं कि हम व्रत करें। और आजकल तो भाई लोग भी करते हैं पत्नी के लिए, अच्छा है। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो भैया ये एकादशी जो है ना, हमारे प्रियतम के लिए ये करवा चौथ का व्रत है हमारा। हम अपने श्याम सुंदर रूपी प्रियतम के, अच्छा लोग कहते हैं आयु बढ़ती आदि आदि जो भी, कुछ भी बढ़े ना बढ़े, लेकिन हाँ करवा चौथ का व्रत जब माँ करती है तो उसका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ता है, पति को भी लगता है अरे मेरे वजह से बच्चा भूखी प्यासी बैठी सुबह से। भाई सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये प्रेम में बहुत आवश्यक है।